कहते हैं शुरू हो जाओ भाई, टाइम कम है। बिस्मिल्लाह। जी सर, शुरू से ही करूं? नहीं, यहाँ से आप जहाँ से आवाज खराब हुई थी आपकी, आपने सर ये मेरी पहली जैसा ये सेविंग बताया था सेविंग आपका खोलने का सेविंग सेवन, आप वैल्यूज पे खराब हुई थी आपकी आवाज। नहीं हाँ, सही कर वैल्यूज दिया था पे। आपने, यहाँ से खराब हुई थी आपकी। यस चलिए बिस्मिल्लाह करें। जी सर, सेल्स एंड इंफॉर्मेशन, बिस्मिल्ला सर, सेल्स एंड इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि सप्लाई चेन इम्तियाज की काफी बड़ी है, कोई छोटा बिजनेस नहीं उनका, काफी बड़ा है, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन, जो कोऑर्डिनेशन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, और जो हमारी उनकी जो इन्वेंट्री जहाँ से आती है उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो पूरी हो सके उनकी। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है कि उन्होंने जो है अपनी प्लानिंग जो की हुई वो काफी अच्छी की हुई है। उन्होंने जो है वो ये किसी सरप्लस और किया का हुआ माइक खुला इन्वेंट्री, हुआ, कंट्रोल आवाज आ नहीं रही है कर रहा पीछे है। से। प्लीज अपने माइक बंद कर दें सब। कि उनको ये पता है कि पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान बहुत अनसर्टेन है, तो यहाँ पे जो उनके पास प्रोडक्ट्स हैं वो सरप्लस में मंगवा के वो सेल आउट जल्दी कर लेते हैं। उनका इन्फॉर्मेशन सिस्टम सरप्लस में चल रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड सर। इनकी जो सप्लायर और वेंडर कोऑर्डिनेशन है वो भी काफी अच्छी है, और फ्यूचर प्लानिंग जो इनकी होती है वो रियल टाइम प्लानिंग भी करते हैं, और उसके अलावा वो पहले से प्री प्लानिंग भी करते हैं कि 4 साल 5 साल का जो डेटा होता है उसकी परफॉर्मेंस पे, कि कौन सी चीज ज्यादा सेल होती है कौन सी नहीं होती है, उस डेटा पे तो वो चलते हैं। लेकिन बाय, और वो रियल टाइम पे भी चल रहे हैं, रोजाना की सेल्स जो है वो बता रहे होते हैं कि अच्छा है भाई ये फीचर प्रोडक्ट चल रहा है, ये मोस्ट डिमांडिंग चल रहा है, तो वो उसकी एक अलग, मतलब इनकी अपनी अलग कोऑर्डिनेशन है कि वो इसको मतलब लेके आते हैं स्टोर पे, कि भाई इसकी वेयर हाउस से स्टोरेज पे जो मेन आउटलेट है वहां तक जल्दी जल्दी आता रहे। सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, रेवेन्यू जो होता है वो एक एस्टिमेटेड इनका है, लेकिन इनका बिजनेस जो है वो इन्होंने शुरू किया था, मतलब इन्होंने कोई इतनी मार्केटिंग नहीं करी थी शुरू में, लेकिन अब इनका ये है कि एक तो इनकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो गई, कि लोग जो बोलते हैं कि भाई आप इम्तियाज को जाओ, वहाँ पे माल, वहाँ पे सामान सस्ता मिलता है और डिस्काउंट रेट्स हैं, एक जगह पे सब कुछ चीजें मिलती हैं, तो एक तो इनका माउथ टू माउथ हो गया। उसके बाद इन्होंने मार्केटिंग भी करी है कि आप जो रोड्स होते हैं वहाँ पे इनके बैनर्स लगे हुए होते हैं कि नंबर वन मार्केट ये वगैरह, मतलब सारी चीजें इन्होंने मार्केटिंग करना शुरू कर दी है सर। आगे अच्छा, एजेंडा जो स्लाइड का मेरा है कि मतलब ऑपरेशन किस तरीके हो सकते हैं, इनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इनके एक्सपेक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं, डे टू डे चेकलिस्ट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और कस्टमर सेगमेंट क्या होता है सर। आगे अच्छा, विजन तो इनका यही है कि सबसे ऊपर ये सबसे बड़ा एक स्टोर बन जाए पाकिस्तान का, कि हर कोई रिकनाइज करे कि भाई सबसे पहले अगर स्टोर दिमाग में आए कि यार सुपर मार्केट जाना है तो वो इम्तियाज पे विजिट कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने टारगेट पोजिशनिंग की हुई है कि कहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, तो इन्होंने अपने आउटलेट जो है वो ज्यादातर उसी जगह बुलाए, मतलब बनाए, और मिडिल क्लास फैमिली को ज्यादातर अप्रोच किया है। अच्छा, फॉर्मेट इनका जो मार्केटिंग मिक्स है, माउथ टू माउथ ज्यादा चलता है, उसके बाद डेली बेसिस पे जो नॉर्मल मार्केटिंग हमें बैनर्स मिलते हैं हमें, और वो उस तरीके से इनकी मार्केटिंग होती है। अच्छा, कस्टमर फीडबैक के लिए इन्होंने जो सर्विस लेवल रखा हुआ ये रखा है कि हर काउंटर पे कोई ना कोई बंदा खड़ा हुआ होता है जो कि कस्टमर को जो है वो गाइड करता रहता है कि आपको ये चाहिए तो ये मिल जाएगा, इसका एडजस्टमेंट ये अगर नहीं होता तो। अच्छा, कस्टमर फीडबैक इन्होंने एक ऐसा भी लिया है कि फॉर्म वगैरह भी दे देते हैं, बाकी ईमेल्स के थ्रू भी करते हैं जो इनके रिलायबल, मतलब जो इनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनके ऊपर भी। अच्छा, जो इनकी स्टोरेज एफिशिएंसी ये होती है कि जैसे कोई चीज बहुत अच्छी चल रही है, जैसे कोई चीज सर्दियां हैं तो सर्दियों में अगर कोल्ड क्रीम ज्यादा चल रही है तो कोल्ड क्रीम की जो, मतलब इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वेयर हाउस से स्टोरेज आउटलेट तक, वो इन्होंने अच्छी रखी हुई है कि वहां पे आउट ऑफ स्टॉक ना हो, क्योंकि वो अभी सीजन चल रहा है तो वो सीजन में ज्यादा चल रही है, और वो जो सीजन चलता है वो ये आगे रखते हैं। अब गर्मियों में अलग चीज होती है तो वो सामने चेंज, लोकेशन चेंज करते हैं, जो ऑन डिमांड जो चीजें चल रही होती हैं। सर आगे करते हैं सर। चार एस्पेक्ट्स पे ये काम कर रहे होते हैं, कस्टमर सर्विस इनकी हमेशा हाई रखनी होती है इनको, कि भाई कस्टमर सर्विस ही, कस्टमर को एज अ किंग ट्रीट करना है, कि उसको जो चीज चाहिए वो उसको पास जाके दें। अब वो बहुत अच्छा मतलब सर्विस करते हैं कि यस सर यस मैम, तो वो इंसान को खुद भी अच्छा लगता है, अगर वो खुद भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है तो उसको वो सुनने में भी पसंद आता है, क्योंकि ज्यादातर जॉब वाले लोग जाते हैं वहाँ। अच्छा, जो सेल्फ की अवेलेबिलिटी होती है वो यही होता है कि वो स्टॉक ज्यादा रखते हैं वहाँ पे, कि जो अगर डिमांड है उससे 10% या 5% वो ज्यादा ही स्टोरेज रखते हैं, तो आउटलेट स्टोरेज वेयर हाउस जो होता है इनका अपना। अच्छा, जो स्टाफ प्लानिंग एंड मोटिवेशन है वो सबसे जरूरी है, कि ये अपने स्टाफ को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप कस्टमर के साथ अच्छे से डील करना है,
आपको अच्छे से बात करनी है, थैंक यू करना है, वेलकम करना है, तो इस तरीके से जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कस्टमर को अच्छा लगता है। अच्छा, स्टोर की जो प्रोसेस है इनका ये है कि स्टोरेज इनका ये चलता है कि डेली चेकआउट होता है, जो मैनेजर स्टाफ जो भी फ्लोर मैनेजर होता है वो भी बताता रहता है कि भाई यहाँ पे ये चीज कम हो रही है, ये ज्यादा बिक गई, तो ये रियली 24 घंटे में जो है इनका स्टोर जो है वो प्रोसेस करता है कि जो जो चीजें खाली हो रही हैं वो चीजें भरते हैं। सर आगे कर दें, सर डेली जो इनका चेकलिस्ट है वो ये क्रेडिट डेबिट जो इनका चल रहा होता है कि ये किस तरीके से कैश फ्लो चल रहा होता है, इनका आ रहा होता है सामान, जा रहा होता है, जो सप्लायर इनको सप्लाई करता है उसको भी पैसे देना होता है, जो लोग आ रहे हैं उनका भी चल रहा है, तो ये इन एंड आउट जो है इनका 24/7 चल रहा होता है। अच्छा, गिफ्ट वाउचर ये करते हैं ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर ले, क्योंकि जो इनका प्रॉफिट होता है वो वैसे ही इतना होता है कि अगर वाउचर दें भी तो भी इन पे इतनी अफेक्टिव मतलब इतना मुश्किल नहीं होता उनके ऊपर। अच्छा, ने सिक्योरिटी ये रखी है कि भाई अगर कोई रिफंड करता है तो वो रिफंड भी कर देते हैं, पहले वो जाते हैं एक्सचेंज में कि अगर कोई भी आइटम है कि वो एक्सचेंज कर दें, अगर वो एक्सचेंज नहीं होता तो फिर वो आखिरी में कहते हैं कि सही है हम जो है वो इसको रिटर्न कर देते हैं। अब ये डिलीवरीज पे भी काम कर रहे हैं सर, प्राइस रिविजन भी करते रहते हैं कि प्राइस अगर जैसे 4000 किसी प्रोडक्ट की लगाई तो उसके ऊपर सेल प्राइस करके इन्होंने जो है वो 2000 कर दी, कि वो स्टॉक अगर हमारा जो उनकी जो टाइम होता है जो एक्सपायरी डेट होती है अगर वो करीब आ रही होती है और जो न्यू अराइवल उसका आ रहा होता है तो वो उस पर प्रमोशन लगाते हैं, वरना वो उसूलन तो यूजुअली ये होता है कि इनका जो सामान है वो फॉरन सेल हो जाता है आने से पहले, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है वो काफी अफेक्टिव चल रही है। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स इम्तियाज ने और दूसरे सुपर स्टोर ने करी है वो यही है कि एकदम से जो अनसर्टेनिटी आ जाती है पाकिस्तान में, एकदम से चीजें होती हैं तो वो जो डिमांडेड चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, लोगों को यहाँ पे दूसरे लोग भी इस तरीके के हैं कि जो चीज चल रही होती है लोग उसको बाय कर लेते हैं बल्क के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अभी सैनिटाइजर और मास्क जो है वो स्टोर से खत्म हो गए थे, वो नॉर्मल लोग जो है उसको ऑनलाइन सेल करने लग गए थे, वो सोर्स उनके पास इतनी नहीं थी, वो इन्हीं स्टोरों से लेके खुद बेचना शुरू कर देते, तो इनकी ये स्टॉक मतलब इनकी ये प्लानिंग नहीं थी कि लोग अगर हमसे बल्क में मतलब बाय कर देंगे तो फिर ये हमें क्या होगा, क्योंकि इनकी कस्टमर टू कस्टमर सर्विस बिजनेस टू कस्टमर थी, बिजनेस टू बिजनेस नहीं थी इनकी। तो स्पेस होती है वो बहुत लिमिटेड थी शुरू में, लेकिन अभी तो इन्होंने स्टोर अपने बहुत बड़े कर दिए हैं, और पार्किंग का इनका शुरू से प्रॉब्लम है, जो मेन है वो आपका गुलशन वाला, उसमें ज्यादा आपको दिखती है कि वहां पे जो है पार्किंग का काफी मसला है, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। अच्छा, जो सप्लाई चेन की इनकी बेसिक मैनेज यही है कि ये जो है टिप्स प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटजीज जो है वो चेंजेस करते रहते हैं, जो जो इनको लगता है कि जो जो इनको प्रॉब्लम कर रही है चीजें, जो जो इनको दिखती रहती है कि यार यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉबैक आ रहा है, तो उस चीज को ये एनहेंस करते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से ट्रेनिंग करा देते हैं, जो उनका मैनेजर होता है वो प्लानिंग से बता देता है कि भाई इस तरीके से सही हो सकता है। अच्छा, सॉल्यूशन यही है कि भाई इनके पास जो मैनेजर्स होंगे वो प्रोफेशनली होने चाहिए, और इन्वेंट्री जो इनकी वो बिल्कुल टाइम टू टाइम चेंज मतलब होनी चाहिए, कि पता चले कि भाई ये ना हो कि 2 घंटे बाद वो सामान खत्म हो गया, वो 24 घंटे के बाद आ रहा है, तो वो जो सेल इफेक्टिव होगी वो उस पे जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इन्होंने जो मैं अगर होता तो मैं ये करता कि अभी हो सकता है वहां पे अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गई होगी, ऑटोमेटिक हो गई होगी, लेकिन पहले जब शुरू में इम्तियाज आई थी तो सब कुछ जो है वो हाथ से काम होता था, कि इन्वेंट्री लिखी जाती थी, इन्वेंट्री बनाई जाती थी, खत्म हो गया, तो अब तो इन्होंने कर दिया ऑटोमेटिक। सबसे जरूरी ये है कि इम्तियाज जो है अपने स्टोर को बड़ा कर दे, हर काउंटर हर फ्लोर के ऊपर जो है वो काउंटर बना दे, हर फ्लोर के ऊपर जो है वो मतलब चेकआउट बना दे कि भाई यहाँ से आप यहीं से कर दें। और अब ये होने लगा है कुछ 4 से 5 सालों में कि जिस फ्लोर से आप शॉपिंग करते हो आप वहीं से उसके पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, एडवांटेज यही होती है सुपरमार्केट की कि आप जो हैं वो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, अगर मैं एक कस्टमर हूँ तो मुझे एडवांटेज ये मिलते हैं कि भाई वहाँ पे मुझे सारी चीजें मिल जाती हैं पूरे महीने की। दूसरा एडवांटेज ये है कि वहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, कोई मुझे होलसेल प्राइस में मिल जाती हैं चीजें जो कि मुझे फायदा रखती है, और अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट खराब आ जाती है तो मैं उसको एक्सचेंज या रिटर्न कर सकता हूँ, जो कि नॉर्मली घर के पास वाली दुकान नहीं करती। सजेशन यही है कि पार्किंग एरिया जो इम्तियाज को अपना थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, जो इनकी कैरिंग होती है वो ट्रॉलीज वो जो होती है वो या तो इनको बकेट वाली ट्रॉलीज रखनी चाहिए ताकि लोग जो है वो आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि लड़का हूं तो मैंने ये नोट किया कि वहां पे कपड़े जो हैं वो बहुत कम है मेंस के, उसको इंक्रीज करना चाहिए,
अच्छा, जो इनकी डिमांड है जैसे सीजनल होती है तो प्लानिंग करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद 50% पे प्लान करते होंगे कि भाई अगर एक चीज 100 बिकती है तो वो 200 रखते होंगे। मेरे ख्याल से अगर कोई सीजनल चीज है तो वो 200 की बजाय 300 होनी चाहिए। फ्रोजिंग आइटम आजकल ज्यादा चल रहे हैं तो उसकी भी इंक्रीज होनी चाहिए। अब फाइनल वर्ड मेरा यही कि सर कोई भी टाइप का बिजनेस हो उसके लिए सप्लाई चेन बहुत का मतलब उसके लिए मतलब होती है कि होना चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसका अच्छे से होना चाहिए। अगर छोटा बिजनेस है उसमें भी यही है कि उसके अंदर आपको सप्लाई चेन कहाँ से आपने उठाना है सामान, कहाँ से उसको प्रोसेस करना है, कहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कहाँ तक उसको कस्टमर तक प्रोवाइड करना है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफी जरूरी है कि अगर ऐसा हो जाए कि आप अपना ऑर्डर ले लो और उसको पूरा नहीं कर पाओ तो वो भी एक नेगेटिव फीडबैक आता है। और अब क्योंकि तकरीबन लोग जो है वो सोशलाइज हो चुके हैं, उन सब लोगों को पता होता है, हर बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, तो उस पे डी मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है कि यार मैंने ऑर्डर किया और ऑर्डर मेरे तक आया नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो डी मार्केट कर देते हैं, तो वो चीज भी खराब हो जाती है आपकी अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी ना हो, कि आपकी इन्वेंट्री पूरी ना हो, आप आपका प्रोसेस जो है वो काफी स्लो हो, आपका जो लॉजिस्टिक है वो आपका मतलब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, मतलब आगे तक जो कुछ एरियाज होते हैं जो अंदर के होते हैं, जो विलेजेस के होते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, या आपके जो खाने की चीजें अगर काम करो तो वो वहां तक खराब हो जाए। थैंक यू सर। ओके जनाब, ये तो प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। अब आप लोगों के कोई सवाल हैं इनसे, हसनैन साहब से? जी भाई। नहीं सर, काफी अच्छा लेकिन चलो, काफी एक मिनट में जरा नाम नो निकाल लूँ डाउट आपके। नो हाँ डबल डाउट। जी, मैं अभी जी जनाब एहसन साहब, कितने नंबर? अच्छा 4.5। करीम, सॉरी पांच करीम, सर, कितने? फाइव फाइव, पूरे फाइव। अच्छा पांच। ओके। अस्करी? क्यों सर फोर। भाई? मैं अच्छा, चलो चलो कोई बात नहीं। परशोत्तम? ओके। फाइव। और फिरोज? सर 4.5, 4.5। बाबर? पांच पूरे पांच नंबर सर। सर नंबर बिलाल? पांच नंबर सर। ओके। और कोई रह तो नहीं गया है? कोई जी और सर, तो नहीं मोहम्मद रह गया नंबर शाकिल। देने से? जी शागिल, जी सर, शागिल जी। जी सर, फाइव है सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छी चलो भाई, रेटिंग वेरी है। गुड। चलो जी, बड़े अच्छे नंबर सबने दिए, पांच नंबर। मैं भी, ये मेरा भी कंसेंसस है। लेकिन मैं परफेक्ट स्कोर किसी को भी नहीं देता इसमें। इनको इनकी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इन्होंने बहुत अचीव की है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, जो एक होता है ना प्रेजेंटेशन का जो अपना एक फॉर्मेट होता है वो, उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, दैट वाज सुपर। तो मैं तो इनको 14 नंबर दूंगा 15 में से। आप लोगों ने 5 दिए तो ये स्कोर 19। अच्छा आज मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, इसलिए कि आई हैव टू गो समवेयर। नेक्स्ट सर क्लास के नंबर बता अंदर, देंगे के। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अभी आज 2 प्रेजेंटेशन हुई है, तो आप लोग हैं 10 ना? अकबर तो आए नहीं आज क्लास के अंदर। सर वो उनसे कोऑर्डिनेट नहीं हो सका सर, मैं उनको 2 से 3 दिन करा है, मैंने कॉल भी करने की कोशिश की, व्हाट्सएप पे भी नहीं आया वो, पता नहीं उनका कुछ अलग मसला हुआ है, मुझे समझ नहीं चले आया। जो भी होगा, बहरहाल तो अभी 7 प्रेजेंटेशन और रह गई है, तो वी विल ट्राई टू कवर इट नेक्स्ट वीक और उसके बाद हफ्ते में। मेरे पास जो है दो दो मैंने टॉपिक आपको कवर कराने हैं। एक लॉजिस्टिक, रेल लॉजिस्टिक क्या होती है रेलवे की, और दूसरे रोड की लॉजिस्टिक। रोड लॉजिस्टिक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको मैं एक क्लास में कवर नहीं कर सकता, तो मैं बिल्कुल सुपरफिशियल आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना हो रहा है और उसका जो रोड लॉजिस्टिक के जो मेथड है कैलकुलेट करने के या करने के, वो हमारे मुल्क में वो नहीं चलते। दुनिया के अंदर वो पर मेट्रिक टन पर किलोमीटर के हिसाब से मेजर करते हैं, हमारे यहाँ कुछ और तरीका कार होता है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ वो डाटा जो है उसको एनालाइज करने में। एनीवे आई विल डिस्कस विद यू। तो अब नेक्स्ट जो है, अगली क्लास आज 8 है ना, तो नेक्स्ट क्लास 15 को होगी ना। 15 तारीख को जो रिमेनिंग प्रेजेंटेशन है, आप सब तैयार रहिएगा। कोशिश करेंगे कि हम, और कोशिश कीजिएगा कि 15 मिनट में अगर एक आदमी खत्म कर ले ना, हम डिस्कस कर ले, तो एक स्लॉट जो हमारा है उसमें हम 2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 3 स्लॉट अगर हो तो 6 हो जाएंगी, वरना तो 7वीं करके उसके बाद मैं क्लासे कंटिन्यू करूँ। लेकिन एनीवे अगर 4 भी हो जाती है कोई ऐसा इशू नहीं है, अगली क्लास में हम पूरी कर लेंगे, ताकि आपको नंबर मिल जाए। मुझे ये परेशानी कि आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है जनाब, जी भाई, सर ये आप बोल रहे थे पेपर चेक हो गए,
मैंने कर लिया सही है सर। आज वाइवा के नंबर डाल के मैं उस पर डाल दूंगा एलएमएस सीएमएस पे। सही है सर, सीएमएस पे डाल दें सर, मुझे नहीं पता सर, बता दें सर यहीं पे सबको। ये वाइवा के नंबर नहीं डाले ना मैंने, वाइवा के डाल के बताऊंगा। वाइवा के तो डाल लेंगे ना सर, वैसे ही बता दें इसके मिनट के बता दें सर। एक मिनट होल्ड कीजिए, अभी बता देता हूँ आपको। जनाब सबसे पहले बिलाल साहब 818-2020। बिलाल आपने 18 मार्क्स स्कोर किए हैं आज वाइवा में, आपको 3.5 नंबर दे रहा हूं मैं 5 में से, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे 21.5 आउट ऑफ 30। चलिए 22 कर देता हूं राउंड करके, आप नाराज ना हो, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये आपको हो गया। अस्करी साहब आपके थ्योरी के अंदर जो है आपके 19 नंबर है और आज 4 मिला के आपके 23 हो रहे हैं, ठीक है 23। थैंक यू सर। बाबर 24 प्लस आज के आपके परफेक्ट स्कोर है आपका 29। इसी तरीके से हसनैन के 24 प्लस 5 29 और करीम का भी 29 ये जो है ना, और एसन के 22 और इसके में 4 तो ये 28 हो जाएंगे इनके वाइवा के अंदर। और परशोत्तम के 22 प्लस 5 27 हो जाएंगे। शागिल के 19 मैंने बड़ी बड़ी तकलीफ में दिए इसको नंबर, जितनी मेहनत मुझसे शागिल ने कराई किसी ने नहीं कराई है, ठीक है। 19 प्लस आज के ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। 19 प्लस 4 आज के इनके 23 हो जाएंगे। और फिरोज खान आपके 18 नंबर मैंने दिए बड़ी मुश्किल से, आपने मुझे बहुत परेशान किया जिस तरह का आपने जवाब लिखा है, और आज वाइवा के मिला के आपके 22 हो रहे हैं। ओके थैंक यू सर। ओके ठीक है, मैं आपको खत्म कर रहा हूँ जी, खुदा हाफिज, अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह सर। ओके खुदा हाफिज।